भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। क्रोध करने वाले, जिसको गुस्सा बहुत आती है, कितने लोगों को क्रोध करने की आदत बन गई है, सामान पर भी क्रोध आने लगा है। अगर सामान पर क्रोध आने लगे, गाड़ी पर क्रोध आए, लाड़ी पर आए, साड़ी पर आए, और चश्मा पर क्रोध आए, और घड़ी पे क्रोध आए, और जानवर पर क्रोध आए, तो समझ लो अब तुम आधे विक्षिप्त हो चुके हो, आधे पागल हो चुके हो। क्योंकि सामान तुम्हारे क्रोध को कहाँ समझता है। कितने लोगों को टीवी सड़क पर पटक पटक कर फोड़ते हुए देखा। उनसे किसी ने पूछा, टीवी क्यों फोड़ रहे हो? बोले, ये बार बार बिगड़ती है, इसको निपटा दूंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैकेनिक से बनवा लीजिए। बोले, तू आ जा, तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। अबे ये पागलपन नहीं और क्या है, अधिक क्रोध। और ये क्रोध की बीमारी ऐसी है, किसी देश में चले जाओ, किसी प्रदेश में चले जाओ, सभी जगह है ये। लोगों को गुस्सा बहुत आता है। और याद रखना, जितना ज्यादा तुम गुस्सा करोगे, सुंदरता कम होती जाएगी। जितना ज्यादा क्रोध करोगे, तुम्हारे घर में दरिद्र रहना शुरू हो जाएगा। भयंकर क्रोध करोगे, लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी। और याद रखना, अधिक क्रोध करने से बीपी भी हाई होता है, अधिक क्रोध करने से शुगर भी भयंकर होता है, अधिक क्रोध करने से लकवा अटैक भी होता है, अधिक क्रोध करने से पेट का डाइजेशन भी बिगड़ जाता है। और सरल रहने से, हंसकर मुस्कुरा कर रहने से आपके शरीर की 160 बीमारियां खत्म होती हैं। इसलिए हंस करके जियो, कहीं फंस कर मत जियो। लेकिन हंसते क्यों नहीं लोग? जो कहीं फंसते हैं वे कभी नहीं हंसते। फंसोगे तो फिर नहीं हंसोगे। कहीं फंसो मत, रोज हंसो। अब नशा व्यसन में फंस गए, दुष्कर्म में फंस गए, ईर्ष्या द्वेष में फंस गए, काम क्रोध में फंस गए। जो फंस गए वो हंस नहीं सकते। तो मैं तो कहता हूं, कहीं फंसना ही नहीं है तो दिन रात हंसना ही है। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, आप हंसते क्यों हो? तो हमने कहा, हम फंसते नहीं इसलिए हंसते हैं। जो फंस गए वो क्या हंसेंगे? कहीं फंसोगे तो हंसी तो निकल जाएगी आपकी, खत्म, उसी की टेंशन में रहोगे। चोरी में फंस गए, चोरी करने लगे, आपकी प्रसन्नता खत्म हो जाएगी। अभी यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, सब खुश हैं, लेकिन जिसने किसी के चप्पल चुराए हैं वो खुश नहीं, उसको बड़ी टेंशन है, क्योंकि चप्पल वाला देखेगा तो मैंने तो दो ही चप्पल चुराए, वो 200 मारेगा फिर। कभी गलत सोचने से भी हंसी कम हो जाती है, और गलत काम करने से भी हंसी खत्म हो जाती है।